एक गांव में एक छोटा लड़का था जिसका नाम राहुल था। राहुल बचपन से ही बहुत चुपचाप और शांत स्वभाव का था। वह अपने आप में खोया खोया रहता और ज्यादा किसी से बात नहीं करता। उसका घर गांव के सबसे किनारे पर था, जहां से पूरे गांव का सुंदर नजारा दिखाई देता था। उसके घर के आसपास घने पेड़, हरी घास और एक छोटी सी नदी बहती थी। राहुल का मन इसी प्रकृति की सुंदरता में खोया रहता था। उसके माता पिता बहुत ही साधारण और मेहनती लोग थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा भी दूसरे बच्चों की तरह खुश रहे, खेल कूद करे और हंसी मजाक करे। लेकिन राहुल हमेशा खुद में गुम रहता था और यही बात उसके माता पिता को चिंतित कर देती थी। वे सोचते थे कि आखिर उनका बेटा इतना चुपचाप क्यों रहता है। गांव के बाकी बच्चे खेलते कूदते, शोर मचाते और मस्ती करते, लेकिन राहुल का मन इन सब चीजों से दूर था। वह अपने खेल खुद ही खेलता, कभी नदी किनारे बैठकर पानी में पत्थर फेंकता, कभी पेड़ों के नीचे बैठकर पत्तों को देखता रहता। उसके मन में बहुत से सवाल थे, लेकिन वह उन्हें किसी से कह नहीं पाता था। वह समझ नहीं पाता था कि जो वह महसूस कर रहा है उसे कैसे व्यक्त करे। एक दिन गांव में एक नई टीचर आई जिनका नाम स्नेहा था। वह गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए आई थी। स्नेहा बहुत ही समझदार और भावुक स्वभाव की थी। जब उन्होंने राहुल को देखा तो उन्हें तुरंत महसूस हुआ कि राहुल के दिल में कुछ है जिसे वह बाहर लाना चाहता है, लेकिन उसे रास्ता नहीं मिलता। स्नेहा ने धीरे धीरे राहुल से बात करने की कोशिश की, लेकिन राहुल पहले की तरह ही चुप रहा। स्नेहा ने हार नहीं मानी। वह रोज राहुल के पास जाती, उसे कोई न कोई कहानी सुनाती और प्यार से उसे समझाने की कोशिश करती कि अपने दिल की बात कहना कितना जरूरी है। राहुल को स्नेहा की कहानियां बहुत पसंद आती और धीरे धीरे उसका दिल खुलने लगा। उसने महसूस किया कि बोलने से उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। वह पहले छोटी छोटी बातें करने लगा, जैसे उसने स्नेहा से कहा कि उसे नदी का किनारा बहुत पसंद है, उसे पेड़ों की छांव में बैठना अच्छा लगता है। स्नेहा ने उसे समझाया, राहुल, जब हम अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करते तो वे हमारे दिल में जमा होती रहती हैं और फिर हमारा मन बोझिल हो जाता है। बोलने से हम अपने दिल की बात दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। यह हमारी आत्मा को शांति और सुकून देता है। धीरे धीरे राहुल ने स्नेहा से अपने मन की और भी बातें साझा की। उसने बताया कि उसे डर लगता था कि अगर वो कुछ बोलेगा तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। स्नेहा ने उसे समझाया कि हर व्यक्ति हर वक्त भावनाएं अलग होती हैं और उन्हें व्यक्त करना किसी भी तरह का कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। स्नेहा की बातों का राहुल पर गहरा असर हुआ। उसने महसूस किया कि जब वह अपने दिल की बातें कहता है तो उसे हल्का महसूस होता है। वह अब अपने माता पिता से भी खुलकर बातें करने लगा। उसने अपने दोस्तों के साथ भी समय बिताना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी हिचकिचाहट दूर हो गई। एक दिन राहुल ने स्नेहा से कहा, मैं समझ गया हूं कि क्यों बोलना जरूरी है। जब हम अपने दिल की बात कहते हैं तो हमारी भावनाएं हमें और मजबूत बनाती हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं है कि राहुल अब पहले की तरह चुपचाप नहीं रहता था। उसने बोलना सीख लिया था और इससे उसका जीवन बदल गया था। वह अब खुश रहता, मस्ती करता और अपने दिल की बात हर किसी से कहने लगा था। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे दिल में जो भी बातें हैं उन्हें छुपाना नहीं चाहिए। बोलने से हम अपने अंदर की उलझनों से मुक्त हो जाते हैं और यह हमें मानसिक शांति और खुशी देता है।